का जो पेपर है बच्चों वो आपका पोस्टपोन्ड हो गया है, ठीक है। उसकी अभी डेट है नहीं फिक्स कोई कि कब होगा आपका, लेकिन वो आपका पोस्टपोन्ड हो गया। एक चीज़ आपको भी मालूम चल गई होगी कि वो आपका क्या हो चुका है बच्चों, पोस्टपोन्ड हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा किस तरीके से आप आसानी से 450+ मार्क्स आप आसानी से ला सकते हो, ठीक है। मतलब 450 से ज़्यादा नंबर तो आप आसानी से ला सकते हो, और अगर आपके 450 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आपका एक कॉलेज फिक्स हो जाता है UPTU के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए आपको वीडियो आखिरी तक तो देखना पड़ेगा, और मैं वीडियो के आखिरी में आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप तुक्का मार सकते हो, ठीक है। तुक्का मारने की भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले की जो कुछ चीज़ें हैं कि हम किन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे वो चीज़ आप लोग एक बार स्लाइड में देख लीजिए। देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर जो DPP का जो क्रैश कोर्स है फ्री के अंदर, फ्री में है, JEE मेन्स के लिए भी, नीट के लिए भी, UPTU वाले बच्चों के लिए भी है। तो देखिए आप लोग उसके लिए प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लेना, ठीक। ये मेरी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अलावा यहाँ पे आप मेरे बारे में पढ़ सकते हो। ये बच्चों एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसके अंदर PDF वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर सारी PDF वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है जितनी भी कोचिंग्स के टेस्ट होते हैं उनकी, ठीक है। आपको बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो तो, वीडियो को बच्चों लाइक करना, और जो भी कोई दिक्कत हो उसको अपनी कमेंट को लिख देना, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये आपको ये इसके बारे में हम बात करेंगे, UPTU का पेपर आपका होता क्या है, किस तरीके से 450+ नंबर आपके आ सकते हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। कितना रिजर्वेशन किस कैटेगरी के लिए रहता है, इस चीज़ के ऊपर भी बात करूंगा। पेपर का लेवल क्या रहता है, इस चीज़ के ऊपर भी बात करूंगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे कौन कौन से हैं फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, और आपके मैथ्स के अंदर जो आपको पढ़ने चाहिए, और जिन चैप्टर्स को पढ़ने से आप इजीली 450+ स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो हम इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आखिरी तक वीडियो के अंदर जुड़े रहेंगे, क्योंकि आखिरी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से तुक्का मारा जाता है, तुक्का मारने के लिए UPTU में क्या ट्रिक होनी चाहिए, किस तरीके से क्या अप्रोच होनी चाहिए आपको, ये चीज़ मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग से, जहाँ से आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जिन बच्चों को नहीं पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है 10 मई को होने वाला था, लेकिन वो कोरोना वायरस की वजह से UP गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया। ये आपका कल रात को ऑफिशियली अनाउंस भी हो गया है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी है, जिस बच्चे को चाहिए हो वो वीडियो को देख भी सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आप एग्ज़ाम नई डेट कब होगी। तो देखो आपकी डेट क्या थी, 10 मई थी, ठीक है। अब 10 मई से तो बाद में ही होगी, तो एक्सपेक्टेड डेट देखो 25 मई से लेके 10 जून के बीच में होगी। तो अगर हम डेज देखें कि आपके पास अभी कितने दिन बाकी हैं, तो अगर मैं मानूं कि आपके पास जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको 12 अप्रैल है, कितनी अप्रैल है बच्चों, 12 अप्रैल, ठीक है। जब 12 अप्रैल है आपके पास, तो यहाँ पे अप्रैल में कितने दिन बच गए, 18 दिन, 18 डे अप्रैल में बच गए। मई में कितने दिन, 25 मई तक बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो आप आसानी से इधर की साइड मान लो 22 दिन, ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन पढ़ाई नहीं करोगे तो 22 दिन हो गए। टोटल दिन कितने हो गए बच्चों, टोटल दिन हो गए 40 दिन, मतलब 40 दिन आपके हाथ में है। कितने दिन है बच्चों, 40 दिन, और मैं जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा वो टोटल 40 ही मुश्किल से बैठेंगे। तो आपको अगर आप हर एक दिन में एक टॉपिक को भी करोगे, ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप इजीली स्कोर कर लोगे। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करनी है जो तुक्का मारने वाली, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। क्यों साबित होगी सर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखिए इस तरीके से मैंने बता दिया आपके पास कितने दिन है बच्चों, 40 दिन है। तो आप लोगों को वो 40 दिन के हिसाब से टाइम टेबल बनाना है अपना, 40 दिन के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है कि किस तरीके से 40 दिनों के हिसाब से आप अपनी टाइम टेबल को दिन के हिसाब से एडजस्ट करो कि सुबह पढ़ सकते हो, शाम को पढ़ सकते हो, रात को पढ़ सकते हो, उस तरीके से बच्चों आपको एडजस्ट करना है। सबसे पहले ये जानना आना चाहिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले कि भाई ये पेपर होता क्या है, कौन कराता है, क्या लेवल रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो सबसे पहले आप लोग सबसे पहले यही जान लो, ठीक है। जो UPTU का बच्चों जो पेपर है आपका, ठीक है, वो आपके जो ये इसके थ्रू आपको जो UP के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज होती हैं और प्राइवेट कॉलेज होती हैं केवल उनके अंदर एडमिशन मिलता है, जिसके थ्रू आपको 841 यूनिवर्सिटीज है, मतलब 841 कॉलेज हैं, ठीक है, उसके अंदर एडमिशन मिलता है। 841 में से ही आपकी 93 तो अकेले है किस कहाँ कहाँ पर है, गाजियाबाद में, और आपके 75 कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। अब बात करते हैं कि बच्चों मैंने जिस बात की थी, जो मेन जिसके लिए आप लोग वीडियो देख रहे हो कि कैसे 450+ नंबर आएंगे, तो देखो बच्चों उसके लिए जो मैं आपको बुक्स बताने वाला हूँ केवल वो वाली बुक्स आपको रेफर करनी है, और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से ही पढ़ना है। बुक्स के लिए आपको अब कुछ नहीं करना। देखो लास्ट टाइम बचाए आप लोगों ने NCERT सब बच्चों ने पढ़ी होंगी, तो देखो जिस चीज़ को हम एक बार पढ़ लेते हैं उस चीज़ को दोबारा पढ़ने में अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती।
तो हम यही स्ट्रेटेजी करेंगे, अपने को कहाँ से पढ़ना है बच्चों, एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी सब बच्चों के पास होंगी भी, क्योंकि लॉकडाउन लॉकडाउन की कंडीशन चल रही है, अगर मैं कोई नई बुक बता देता तो आप लोग उसको परचेज भी नहीं कर पाते। तो एनसीईआरटी सब बच्चों के पास होंगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स हैं, जैसे आरडी शर्मा हुआ, ठीक है बच्चों, मैथ्स के अंदर क्या हुआ, आरडी शर्मा हुआ। इसकी बच्चों जो पीडीएफ है, जिन बच्चों के पास नहीं है, पीडीएफ के लिए जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप आपको बताया था, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे बता देता हूँ क्या है उसका नाम, RACEIIT/NEET, ठीक है। इसके अंदर आपको वो टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। 11th की आरडी शर्मा की भी, 12th की आरडी शर्मा की भी, इसको आप ज्वाइन कर जरूर कर लेना, ठीक है। और जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी भी नहीं है, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास एनसीईआरटी भी नहीं है, मांग मांग के काम चलाया हुआ, उन बच्चों को एनसीईआरटी की पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी, कहाँ पर बच्चों, टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मैथ्स के लिए क्या पढ़ना है, आरडी शर्मा पढ़ना है और एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। अब देखो फिजिक्स के लिए क्या पढ़ना है और केमिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, इसके लिए भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करेंगे अपन पहले ये चीज़ कि इसके थ्रू कितनी कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता है। इसके थ्रू बच्चों आपको 262 कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा। उसके बाद जो रिजर्वेशन की बात आती है, क्योंकि ऐसा आपको मालूम होना चाहिए कि भाई कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलता है। तो एससी कैटेगरी को 21% रिजर्वेशन मिलता है, एसटी कैटेगरी को 2% रिजर्वेशन है, और ओबीसी को कितना रिजर्वेशन, 27%। अब इसकी बात कर लेते हैं सर, पेपर का लेवल क्या रहेगा, पेपर कैसा दिखेगा, पेपर में कितने टफ क्वेश्चन आए। तो देखो पेपर में बहुत ही लल्लू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं। आप क्वेश्चन रीड करोगे और सीधा आपसे बन जाएगा अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो। इसलिए मैंने आपको बोला है 450+ मार्क्स लाना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखो अगर आपने जेई मेंस की तैयारी कर रखी है तो ये मत सोचो आपके मार्क्स इतनी ही भी आसानी से नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ स्ट्रेटेजी रहती है देखो हर पेपर को क्रैक करने की। तो यहाँ भी मैं ये चीज़ बताऊंगा आपको, इस पेपर का जो सिलेबस है थोड़ा बहुत जेई मेंस से डिफरेंस है, बाकी 95% तक सेम सिलेबस है आपका जो जेई का सिलेबस है, ठीक है। जेई मेंस का सिलेबस मैं बात कर रहा हूँ, जेई एडवांस का सिलेबस बात नहीं कर रहा हूँ, जेई मेंस के सिलेबस से 95% सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि बच्चों जब पेपर का सिलेबस सेम है तो जेई और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है जेई में थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ही लल्लू टाइप जो बोर्ड में जैसे आपको क्वेश्चन आते हैं ना उससे भी लो लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको थ्योरी भी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, प्लस आपको न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्लस कुछ असेसमेंट और रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे मेन जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए और इनके अंदर से क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखो सबसे पहला चैप्टर है बच्चों वेव मोशन। वेव मोशन के अंदर आपको एक काम करना, वेव मोशन आप एनसीईआरटी से पढ़ना, ठीक है। एनसीईआरटी थ्योरी वगैरह पढ़ोगे किस तरीके से वेव होती है, साउंड वेव कहाँ पर ट्रेवल करती है, कौन कौन से मीडियम में ट्रेवल करती है, स्ट्रिंग वेव कौन कौन से मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है, स्पीड ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसके बाद कौन से ओवरटोन किस तरीके से निकाला जाते हैं, ठीक है, उसके बाद कोई भी स्ट्रिंग उसके अंदर किस तरीके से निकाला है, कोई भी स्ट्रिंग किस तरीके से उसके अंदर मूवमेंट होता है वेव का, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी से पढ़ना है आपको। उसके अलावा जो पीडीएफ्स वगैरह रहेंगी कुछ क्वेश्चंस की, वो मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वो क्वेश्चंस आप लोग ला लेना और आप लोग बोलोगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा जिसके अंदर हम 10 से 20 क्वेश्चन वेव मोशन के ऊपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों आगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बच्चों क्या आता है, ये भी बच्चों आपको 11th के एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा। 11th के एनसीईआरटी से पढ़ लेना, यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज वगैरह को अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को अच्छे से पढ़ना, कार्नोट इंजन को, कार्नोट साइकिल को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार रीड कर लोगे तो आपके दिमाग में ताज़ा ताज़ा हो जाएगा, क्योंकि 11th का सिलेबस आप लोग अभी तक भूल भी चुके होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने 11th के टॉपिक्स को यहाँ पर ज़्यादा ऊपर वेटेज भी दिया है। मोशन इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन को बच्चों अच्छे से पढ़ लेना, रिलेटिव मोशन को, रेक्टिलिनियर मोशन को, ठीक है। इसके अंदर जो 3 इक्वेशन है उनको अच्छे से देख लेना और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अलग से देख लेना, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बच्चों आपको एक काम करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन के जो फॉर्मूले हैं ना उन फॉर्मूला को जरूर याद कर लेना, प्रोजेक्टाइल मोशन के जो फॉर्मूला आते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइस अभी आपने पढ़ा होगा, अगर आपको 12th क्लास के अंदर पढ़ा जब समझ में आया है तो एक बार रीड कर लेना, नहीं तो इस चैप्टर को छोड़ देना, ठीक है, सबसे बाद में करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते आते यहाँ से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे गॉस लॉ वगैरह के ऊपर, ठीक है, तो कंडक्टर वगैरह के ऊपर, तो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो एनसीईआरटी से पढ़ने जो बच्चों, इसके अलावा जो हर टॉपिक्स के जो क्वेश्चन रहेंगे ना 10 से 20, वो यहाँ पर आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बाकी टेलीग्राम चैनल के अंदर तो हर एक चीज़ में प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म के अंदर से बच्चों आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं और आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं। थ्योरी क्वेश्चन बच्चों कहाँ मिलेंगे आपको, थ्योरी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे
एनसीईआरटी को रीड करोगे तो वहीं पर आ जाएगा लेंज लॉ वगैरह क्या होता है, ठीक है, और आपका जो लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, थंब रूल, ये सब रूल जो होते हैं उसी के अंदर आते हैं। ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिज्म कितना है, कुछ कॉन्सेप्चुअल डाटा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब वो आपका रटा हुआ होगा तभी आप कर पाओगे, तो सब एनसीईआरटी के अंदर देख लेना क्वेश्चन, फिर आपको मैंने बता दिया, आपको मिल जाएंगे। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के अंदर ही बच्चों आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, फिर लेंस का फॉर्मूला, माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला, टेलीस्कोप का फॉर्मूला, ठीक है, TIR क्या होता है, ये सब TIR के ऊपर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। रोटेशनल मोशन को मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लेना, उसके अलावा कुछ मत याद करना, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लेना, थोड़ा बहुत इक्वेशन कैसे सेट करते हैं ये आना चाहिए। इसके अलावा जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सेंटर ऑफ मास जरूर याद कर लेना, कि किन 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 ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास किस किस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद बात करते हैं बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन अब ये किसके अंदर है, केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर तो कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो और ये एनसीईआरटी, ठीक है, दो चीज़ पढ़नी है बच्चों को, आपको जो एक मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो, उसके बाद एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर बच्चों क्या करना है, एनसीईआरटी के अंदर आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म करना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों स्कोरिंग भी होती है और इजीली आप कर भी सकते हो, एनसीईआरटी के अंदर ही आपको मिल जाएगा चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन को अच्छे से उसके अंदर जो भी नेम रिएक्शन को याद कर लेना, उसके बाद जो भी वहाँ पर थ्योरी दे रखी है थ्योरी को रट लेना आप, ठीक है, एक दिन मिल रहा है एक चैप्टर के लिए। दूसरा हो गया एल्कोहल फिनोल एंड ईथर एंड सॉल्यूशन, ये भी एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, यहाँ भी नेम रिएक्शन वगैरह को रट लेना और इस चैप्टर्स की उसको घोट के पी जाना, मतलब पूरा बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। एल्किन एल्किन एल्कान से हाइड्रोकार्बन के अंदर मिलेगा बच्चों 11th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके लिए बच्चों आप लोग मेरी प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, ओजोनोलिसिस, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कार्बोकैटायन, कार्बोन एंड, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम को छोड़ देना, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम को कर लेना, ठीक है। आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, के पी के एस पी, ठीक है, और के सी के पी के सी में रिलेशन, के पी बराबर के सी इंटू आर टी ऑफ डेल्टा एन जी, ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चों आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पी एच क्या होता है, पी ओ एच क्या होता है, ठीक है, पानी का कितना होता है, ब्लड का कितना होता है, ये सारी चीज़ें बच्चों आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। ऐसे लोग एलिमेंट्स के बच्चों आप लोग सीमेंट वगैरह की किस तरीके से रिएक्शन होती है, इन सब रिएक्शन वगैरह को थोड़ा बहुत देख लेना, ऐसे लोग इतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं आपका, ठीक है। लेकिन पी ब्लॉक आपका 11th का भी और 12th का भी दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं, रिएक्शंस को बच्चों बहुत अच्छे से एक बार नज़र मार लेना, ठीक है। और सारी रिएक्शन नहीं आती, जो एक्सेप्शंस होते हैं ना रिएक्शंस के अंदर, केवल वो आते हैं जो रिएक्शंस के अंदर बच्चों एक्सेप्शंस होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपको देखो बॉन्डिंग में इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बच्चों जो एस हाइब्रिडाइजेशन है ना, एस पी, एस पी टू, एस पी थ्री, ये हाइब्रिडाइजेशन आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। बाकी मैं क्वेश्चन हर एक टॉपिक के ऊपर आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैथ्स में बच्चों बात करें, देखो वैक्टर बहुत अच्छे से कर लेना, थ्री डी वैक्टर, थ्री डी से बच्चों आपको अकेले ही 10 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो वेक्टर थ्री डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वेक्टर थ्री डी आपको कर लेना है, एनसीईआरटी से करना है, उसके बाद जब अगर टाइम मिलता है तो आर डी शर्मा से कर लेना, ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी पहले एनसीईआरटी से करना है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में केवल मिसलेनियस करनी है, कौन सी करनी है बच्चों, मिसलेनियस करनी है और प्लस सॉल्व एग्जाम्पल करनी है, दो चीज़ें करनी है, ठीक है, मिसलेनियस और सॉल्व एग्जाम्पल। थ्योरीफिकेशन बच्चों कहाँ मिलेगा, 11th क्लास में मिलेगा आपको, जिसको थ्योरीफिकेशन को बच्चों क्या बोला जाता है, थ्योरीफिकेशन को बोलते हैं बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से कर लेना 11th क्लास के एनसीईआरटी से। इंटीग्रेशन में देखो, वैसे मैंने यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखा है, आप लोग वैसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो भी फॉर्मूला वगैरह है ना, सारे फॉर्मूले वगैरह याद कर लेना, क्योंकि जब वो याद होंगे तभी डेफिनेट इंटीग्रेशन बनेगा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपसे बन गया तो एरिया अंडर कर्व के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पूरे इंटीग्रेशन से अगर मैं देखूँ, पूरे इंटीग्रेशन से भी बच्चों आपके टोटल 7 से 8 क्वेश्चन आसानी से आ जाते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से बच्चों 3-4 क्वेश्चन आते आते हैं, तो इसको भी अच्छे से देख लेना कि भाई ये भी पूछ लेते हैं भाई, कौन सी मैट्रिक्स होती है, कौन सा क्या होता है, ठीक है, कैसे इनवर्स निकालते हैं, फॉर्मूले सीधे सीधे पूछ लेते हैं, ठीक है। डायनेमिक्स एक अलग टॉपिक है बच्चों, इसको आप अलग से कर लेना, फिजिक्स का, वैसे फिजिक्स के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास के अंदर है, अगर आपसे समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ देना, ठीक है। अब बात करता हूँ बच्चों टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के लिए, कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, जो 600 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। अब 150 में से 50 फिजिक्स के रहेंगे, 50 केमिस्ट्री के रहेंगे, 50 मैथ्स के रहेंगे, ठीक है। टोटल टाइम कितना रहेगा, टोटल टाइम रहेगा बच्चों आप लोगों के लिए 3 घंटे, 3 घंटे के लिए करना होगा। अब बात करते हैं बच्चों तुक्का कैसे मारा जाना है, तो तुक्का मारने के लिए ये चीज़ समझ लो, तुक्का मारने के लिए बच्चों देखो आपको 100 क्वेश्चन तो आपने सही से कर लिए, 100 क्वेश्चन जैसे सही किए तो बच्चों कितने मार्क्स हो गए, 400 नंबर। अब कितने क्वेश्चन बचे आपके पास, 50 क्वेश्चन बचे। आपको पता है बच्चों एक सही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिल रहे हैं, गलत के लिए 0 नंबर जा रहा है, तो 50 में से 30 क्वेश्चन को आपको ऐसा पता है कि भाई जिनके 2 ऑप्शन आपको पता है, या ए या बी, मतलब 2 ऑप्शन पता है आपको, भाई इन 2 ऑप्शन में से कोई आंसर है, तो यहाँ पर प्रॉबिलिटी क्या हो गई,
प्रोबेबिलिटी होगी इसका सही होने की 2/4, क्योंकि आपको पता है टोटल केस 4 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब 30 क्वेश्चन में से आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में करके दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर बच्चों कितने नंबर आ जाएंगे, 15 × 4 60 नंबर हो गए, ठीक है। तो देखो 450 नंबर तो वैसे ही एक्स्ट्रा आ गए। अब कितने क्वेश्चन बचे, 20 क्वेश्चन बचे। 20 क्वेश्चन में से बच्चों अगर मैं देखूँ तो 20 क्वेश्चन में से आपकी अब 4 में से आपको कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4, 1/4। 1/4 के हिसाब से बच्चों 20 में से कितने क्वेश्चन सही होंगे, तो कम मारोगे तो 5 क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे 5 × 4 कितना हो गया, 20। तो बच्चों टोटल मार्क्स कितने निकल के आ गए, 480 मार्क्स निकल के आ गए। और देखो 480 प्लस मार्क्स, अगर आपके 480 मार्क्स आ गए आपके, तो इसमें लोग बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इससे बेस्ट कुछ भी आप लोगों के लिए नहीं है, 480 नंबर आ गए आपको पक्का ही कॉलेज मिल जाएगा। तो देखो ये स्ट्रेटेजी अगर आप लोग अपनाओगे तो आप लोग जरूर जहाँ तक पहुँचना चाहते हो, जिस कॉलेज, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, उस कॉलेज तक आप लोग जरूर पहुँच पाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी किसी भी तरीके की डाउट वगैरह हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो को बच्चों अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो आप लोग, जो भी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, ठीक है, या जो भी अलग से चैनल्स हैं उनके अंदर आप लोगों को जरूर काम कर देना है, ठीक है। ये बच्चों आपका टेलीग्राम चैनल था, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल पर आप जब ये टाइप करोगे ना @race_id/link, तब आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। उसके बाद बच्चों ये जो चीज़ें हैं, ये DPP वाला जो फ्री क्रैश कोर्स है बच्चों, इसके लिए भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं बच्चों, जब तक अगली वीडियो में आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा।